हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। तो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार टेट प्रश्न पत्र जो 23 जुलाई दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था बी टेट का 23 जुलाई को, उसके को जो उसमें जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उसमें जो क्वेश्चन आए थे और क्या क्या पूछा गया है उसमें। दोस्तों, पहली बार जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि जीएसटी का विस्तार क्या है। दोस्तों, जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था कि जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी का विस्तार क्या है। तो दोस्तों, जीएसटी का विस्तार हुआ गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसका है। तो दोस्तों, भारत में कागज के नोट छपवाने और जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक का है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों, बिहार में जूट उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है पूर्णिया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस वर्ष जलकर टैक्स समाप्त किया। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने जलकर टैक्स सन 1991 में पूर्णतया समाप्त कर दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है। दोस्तों, सार्क देश का सदस्य है वो थाईलैंड नहीं है। दोस्तों, सार्क देश का सदस्य थाईलैंड नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी। दोस्तों, प्राचीन काल में वैशाली लिच्छवी किस संघ की राजधानी थी। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रसेप के द्वारा पढ़ा गया था। दोस्तों, जेम्स प्रसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जिन पदार्थों में से देखने पर अन्य वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, उन्हें क्या देखा जाएगा। तो जिन पदार्थों में देखने में जो वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहा जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, धातुओं के वे गुण जिनमें उन्हें पीट कर सीट बनाया जाता है, धातुओं के वे गुण जिन्हें पीट कर सीट बनाया जाता है तथा खींच कर तार बनाया जाता है, क्रमश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। दोस्तों, आघात, वृहत्ता तथा तन्यता। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। तो दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल संबंधित लुम्बिनी, बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जो स्थान था वो लुम्बिनी था। दोस्तों, यहाँ इनका दोस्तों जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुद्रा की पारस्परिक स्वरूप निम्न में से कौन सा है। मुद्रा की प्रारंभिक स्वरूप निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सरकार कितने स्तरों की है। भारत में सरकार कितने स्तरों की है। दोस्तों, तो दोस्तों 3 स्तरीय की सरकार है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा और नींबू के रस को आपस में मिलाने पर निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है। खाने का सोडा और नींबू के रस को आपस में मिलाने पर निम्न में से कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ घोलक हो सकते हैं। तो दोस्तों, तारपीन का तेल जो घोलक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, पुहार क्या था। तो दोस्तों, पुहार जो था वो दक्षिण भारत की समकालीन बादशाहगिरी था, जो समकालीन बादशाह था वो इसका नगर था पुहार। समकालीन बादशाह, दक्षिण भारत का समकालीन दोस्तों बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। विज्ञान की कक्षा 8 में दिए गए वाक्य द्वारा छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करने का उद्देश्य है। दोस्तों, यापन आंसर होगा। दोस्तों, यापन। नेक्स्ट है दोस्तों, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किससे ली गई विषय वस्तु शामिल होती है। तो दोस्तों, समाज विज्ञान में जो वस्तुएं ली गई हैं वो भूगोल है और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
तो दोस्तों बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए 122 सदस्यों की आवश्यकता होती है समर्थन के लिए दोस्तों, 122 सदस्य। नेक्स्ट है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के योजना बनाते समय निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों आंसर होगा जटिल गणना वाले प्रयोग को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों, जो बीटेट में पूछा गया था, संघनन की क्रिया में क्या शामिल है? संघनन की क्रिया में दोस्तों वाष्प का जल में बदलाव होना शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय की मूल इकाई क्या है? समय की मूल इकाई है दोस्तों सेकेंड। ये दोस्तों अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि समय की मूल इकाई क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बीटेट में दोस्तों वो ये है, श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो दोस्तों श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं दोस्तों। श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? दोस्तों ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बीटेट में पूछा गया था कि बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अतीत से वर्तमान भाग कक्षा 6 शामिल नहीं है, सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, जो बीटेट में पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के मूल्यांकन में निम्न में से किस विधा का उपयोग सबसे अधिक हो सकता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान अधिगम के मूल्यांकन में निम्न में से किस विधा का उपयोग सबसे अधिक हो सकता है? तो दोस्तों लिखित व प्रयोग आधारित दोनों तरह की परीक्षाएं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी कौन मापता है? मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है? तो दोस्तों मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी को ऑडोमीटर मापता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस श्रेणी रेंज में तापमान नाप सकते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस श्रेणी के रेंज में तापमान नाप सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से तापमान माप सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बीटेट में पूछा गया था दोस्तों, मकरंद से बाहर की प्रक्रिया में कौन सा रासायनिक पदार्थ मधुमक्खियों की सहायता करता है? तो दोस्तों वो है जो मधुमक्खियों की सहायता करता है वो एंजाइम, जो रासायनिक पदार्थ मधुमक्खियों की सहायता करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो बीटेट में पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिकाओं का कौन सा संघटक उसके गुणों का निर्धारण करता है? पादप कोशिकाओं का कौन सा संघटक उसके गुणों का निर्धारण करता है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो पादप कोशिकाओं का संघटक के गुणों का निर्धारण करता है, कोशिका झिल्ली दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।